हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं आरएनटीसीपी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या है आरएनटीसीपी? सबसे पहले, भारत में टीबी को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था। इसके कुछ उद्देश्य थे जो इस प्रकार हैं कि किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की ओपीडी में, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ आने वाले रोगियों में टीबी के मैक्सिमम केसेस का पता लगाना। इसके अलावा नवजात शिशुओं में और जो इन्फेंट्स हैं उनमें बीसीजी का टीका लगाना। एक रोगी द्वारा संक्रमित केसों की जो संख्या है उसको कम करना, एक तक, यानी एक मरीज एक को ही इन्फेक्ट कर पाए, ऐसी व्यवस्था करना। और 14 साल से कम बच्चों में केसेस की जो व्यापकता है वो कम से कम की जाए, जब एक तक उसको लेके आया जाए। तो ये कुछ उद्देश्य थे। राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम जो एनटीपी था, उसके तहत पूर्ण प्रयासों के बावजूद भी उपचार की जो सफलता दर थी वो बहुत कम थी और डेथ और डिफॉल्ट रेट बहुत ऊंची रही। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस भी काफी फैल रहे थे। तो इसे देखते हुए एक स्थिति को पूरी को रिव्यू करने के बाद 1993 में भारत सरकार ने एक संशोधित रणनीति अपनाई और उसे कहा गया आरएनटीसीपी, यानी जो एनटीपी था उसको कन्वर्ट करके नाम चेंज कर दिया गया, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया है। इसे 1993 में चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और 1998 में बड़े पैमाने पर इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। आगामी कुछ वर्षों में, यानी 2000 तक, लगभग 30% आबादी आरएनटीसीपी के तहत कवर हो गई और 2004 तक 80% आबादी इसके द्वारा आरएनटीसीपी के प्रोग्राम के तहत कवर हुई। और 2006 तक पूरे देश में जो भी टीबी से संबंधित जो गतिविधियां रहीं वो आरएनटीसीपी के तहत कवर हो गई। आरएनटीसीपी के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या थे? थोड़ा सा एनटीपी जो प्रोग्राम था उसके अलावा, नए पाए गए संक्रामक केसों में कम से कम 85% इलाज के दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना, ये एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा टोटल पॉपुलेशन में 70% मामलों में नए केसेस के पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता टीबी कंट्रोल के बारे में बढ़ाना, ये इस आरएनटीसीपी के प्रोग्राम के मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। अब एक्टिविटीज को यदि हम देखें तो क्या एक्टिविटीज थी एक्स्ट्रा, तो उसमें एक तो यह आता है कि केंद्र और राज्य स्तर पर जो टीबी ट्रीटमेंट और कंट्रोल की जो गतिविधियां की जा रही थी उनका संगठनात्मक सपोर्ट, उसको इंक्रीज करना। डायग्नोसिस के लिए प्राथमिक विधि के रूप में स्पुटम स्मियर एग्जामिनेशन को लागू करना, डोट्स के रूप में एक मानकीकृत उपचार सिस्टम लागू करना, और टीबी दवाओं की नियमित निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब जो संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है आरएनटीसीपी, इसके तहत जो डॉट्स रणनीति अपनाई गई उसके शुरू में मुख्य पांच घटक थे। एक तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी द्वारा टीबी का निदान किया जाना है, डायग्नोसिस किया जाना है। गुणवत्ता सुनिश्चित एक शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी द्वारा दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति इसमें रखी जानी है, और डोट्स प्रदाता के माध्यम से दवाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाना है, यानी जो डोट्स प्रदाता है उसके सामने रोगी उस दवा को ले ताकि डिफॉल्ट होने की स्थिति कम से कम हो जाए, और हर स्तर पर व्यवस्थित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी है। आरएनटीसीपी के तहत जो केस डिटेक्शन है वो पैसिव है, यानी जो रोगी, जो पेशेंट ओपीडी में आएगा किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के और लक्षणों को शो करेगा, उसके दो स्पुटम टेस्ट किए जाएंगे और वो स्पुटम टेस्ट एक मानकीकृत रेकमेंडेड जो माइक्रोस्कोपी केंद्र है आरएनटीसीपी प्रोग्राम के तहत उसके अंदर किया जाएगा, और यदि वो डिटेक्ट होता है तो डोट्स उपचार प्रणाली द्वारा उसका उपचार किया जाएगा।
अब जो डोट्स प्रणाली है उसके तहत रोगियों को दो कैटेगरीज में वर्तमान में डिवाइड किया जाता है। एक तो नए केसेस को कैटेगरी वन कहते हैं और जो ओल्ड केसेस हैं जो रिलैप्स हो गए हैं या ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं वो कैटेगरी टू के तहत आते हैं। तो कैटेगरी वन में नए स्पुटम स्मियर पॉजिटिव केसेस भी आते हैं, नए डिटेक्ट हुए स्पुटम स्मियर नेगेटिव केसेस भी आते हैं और एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस भी आते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी जो नया केस हो वो कैटेगरी वन के तहत आएगा और इनको एक अलग बॉक्स मेडिसिन का दिया जाएगा जो अभी रेड कलर का है। इसके अलावा जो कैटेगरी टू होगा वो प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस होंगे जिसमें पहले से ट्रीटमेंट लिए हुए पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाए रिलैप्स रोग जो पेशेंट है वो आ जाएंगे, जो फेलियर हैं वो आ जाएंगे और स्पुटम स्मियर पॉजिटिव जो डिफॉल्ट कर गए हों वो हो जाएंगे और अन्य कोई भी जो पुराना रोगी हो वो सब कैटेगरी टू में आएंगे और इनके लिए एक अलग बॉक्स निर्धारित किया गया है। तो ये डोट्स के तहत दो स्टेप्स में, दो चरणों में, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में ये मेडिसिन चलती हैं दोनों कैटेगरीज की लेटेस्ट। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट्स मिलेगा, अपने नोट्स बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक नर्सिंग नोट्स। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।